आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम डॉक्टर राव से जानेंगे कि हम ऑफ सीजन में ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे कर सकते हैं, तो उससे फल कैसे ले सकते हैं। तो आओ चलो जानते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजन फार्मिंग लीडर में। आज आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना और दिखाना चाहते हैं? हमारे किसानों को आज एक स्पेशल दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम जो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, आपको जो व्यूअर्स हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं। हमने सुना होगा कि यूरोप के कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे खेती की जाती है अच्छे टेक्नोलॉजी से। जी, इसराइल को हम देखिए तो हम सुने रहेंगे कि वहाँ पे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इसराइल में बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल। सो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी वही उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बढ़िया काम यहाँ पे चल रही है। जी, और ये देख सकते हैं ये वाला लाइट्स है। अच्छा, अब हम हैं मार्च के महीने में। अच्छा, मार्च के महीने में अभी हम हैं। यूजुअली ड्रैगन फ्रूट खेती होती है जुलाई से अक्टूबर। जी, उसके बाद इंडिया में किधर भी आपको ड्रैगन फ्रूट देखने को नहीं मिलेगी। आपको देखने को मिलेगी वियतनाम की वैरायटी वाइट की, लेकिन रेड वैरायटी आपको मिलेगी नहीं। जी, लेकिन डेक्कन एग्जॉटिक्स में हम पौधे के ऊपर 365 डेज साल में हर दिन हम ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं, लेकिन लाइट केस है। अच्छा, ये लाइट केस है। हाँ, लाइट वाला लगा के प्लांट को हम स्टिमुलेट करेंगे फ्लावरिंग लाने के लिए। ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी। लाइट का ऐसा क्या असर है कि जो मतलब उससे इस पे फर्क पड़ता है और जो है मतलब फ्रूटिंग होती है और फूल एकदम निकल आते हैं। ये वाला टेक्नोलॉजी वियतनाम में पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे ये बल्ब यूज नहीं करते हैं। अब वहाँ पे नॉर्मल एलो बल्ब्स होते हैं ना, जो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 40-60 वॉट्स एलो बल्ब्स, उससे जो मतलब बूम कलर में होते हैं उससे होती है। लेकिन पावर तो हमारे फार्मर पास बहुत एक्सपेंसिव है जी इंडिया में, और उसका रिजल्ट्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये वाला बल्ब आप देख रहे हैं, ये LED बल्ब है, स्पेशली मैन्युफैक्चर किया हुआ। लास्ट ईयर भी हम इसका एक्सपेरिमेंट करके उसका जो डेटा है निकाले, और हमारे जो पार्टनर्स है ओवरसीज पार्टनर्स चाइना में, उनसे बात करके ये वाला स्पेशल बल्ब हम स्पेशली डेक्कन एग्जॉटिक्स की ओर से हम मैन्युफैक्चर करवाए। जी, ये आप देख सकते हैं, ये खाली है 10 वाट की बल्ब है। अच्छा, ओनली 10 वाट की, बिल्कुल। या उसका रोशनी देख सकते हैं। हाँ, कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा है। या और टच भी कर सकते हैं, गर्म भी नहीं रहेगा। हाँ, गर्म नहीं है। मेजर प्रॉब्लम है येलो वाला अगर बल्ब और लोकली मेड LED बल्ब्स आप लगाएंगे तो उसमें से गर्मी थोड़ा निकलेगी आपको। अच्छा, जब आप गर्मी निकलेगी, ठंडे के मौसम में ऑफ सीजन प्रोडक्शन होगा, प्लांट के ऊपर फंगस आउटब्रेक हो जाएगा आपको। अच्छा, और पूरा नुकसान फार्मर नुकसान में चले जाएगा, क्योंकि फंगस आउटब्रेक होने पर वो प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी आती नहीं। हाँ, खाली लाइट देता है, एकदम ठंडा है, लाइट देती है। और ये पौधे को हम जब ये सी वैरायटी हम डेवलप करें, तब इसके जो भी पूरा लाइफ साइकिल है वो पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे ग्रो होगा, उसमें क्या एंजाइम्स है और उसका फ्रूटिंग आने का क्या वजह है, क्योंकि सीजन में फ्रूट का फ्रूटिंग होता है बारिश के टाइम में। जी जी, वो उसका कंडीशंस क्या है, किसके वजह से ये फ्लावरिंग देगा और फ्रूटिंग बनेगा। जी, उतना डेप्थ हम ये इसका इन्वेस्टिगेशन करें ये प्लांट के ऊपर, और कितना लाइट होना चाहिए अच्छा रिजल्ट्स होने के लिए, और कितना फ्री टाइम देना है, और कितने टाइम देने पर कब उसका यील्ड निकाल सकते हैं। और ये ऑफ सीजन अब देख रहे हैं ये वाला, अब हमारा प्राइस है 400 रुपये एक किलो।
अच्छा 400 रुपए रेट है इस टाइम। अब जो रेट है वो है 400 रुपए। ऑफ सीजन है बिल्कुल, मिलता भी नहीं है फ्रूट। हाथ ही नहीं आएगा जी। और जब ये देंगे तो आराम से बिक जाएगा, एक ही दिन में बिक जाएगा पूरा फ्रूट जी, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत स्वीट रहेगा इस टाइम पे। भाई हमें कहीं तो ये है कि हम जो सीजन में है 150 रुपए बेच रहे हैं, और आज हम ऑफ सीजन 400 बेच रहे हैं, 400 निकाल तो ये तो कुछ भी खर्चा नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। या और ये क्या है कि एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली मैन्युफैक्चर किया हुआ हमारे लिए, तो अभी इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ के 1000 रुपए एक लाइट एक बल्ब को हमें अभी कॉस्टिंग आई है जी। लेकिन हम इसी का प्रोडक्शन इंडिया में और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम खुद ही डेक्कन एक्सोटिक्स की तरफ से करने वाले हैं जी। और प्राइस जब ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे इसका भाव 300 रुपए से 400 रुपए आ जाएगा, वो नॉर्मल बल्ब जैसा अच्छा क्वालिटी का बल्ब होता है बिल्कुल बिल्कुल एलईडी का बल्ब है, वही कॉस्ट पे हम इसको लेके आ रहे हैं नेक्स्ट सीजन मेरे ख्याल से जी। और जब ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी फार्मर करने लगेगा तो अगर सोच लीजिए अभी 1 टन आ गया, यूजुअली हम ये सीजन ये लाइट से हम 2 टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाला प्लांटेशन में, 1 टन मान लीजिए आ गया अभी, 1 टन आ गया 400 रुपए बिक रहा है किलो, 400 × 1 टन 4 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपए हो गया, मैंने बोला 10 लाख रुपए, खाली 1 टन से भी आप 4 लाख रुपए कमा सकते हैं इस सीजन में। और स्पेशली सी वैरायटी को हम इतना पढ़ चुके हैं कि अगर आपको फ़रवरी या मार्च के टाइम में यूजुअली यहाँ पे सीज़न यहाँ पे शादियों का सीज़न रहता है हैदराबाद में बिल्कुल, ये टाइम हम प्रोडक्शन देंगे तो उसका डिमांड अच्छा रहेगा और भाव भी अच्छा मिलेगा। सो हम यही टाइम को चूज़ करें फ़रवरी सेकंड थर्ड वीक और फोर्थ वीक तक, फ़रवरी सेकंड और थर्ड वीक और मार्च के फर्स्ट वीक में उसका प्रोडक्शन आना है। हाँ, हमारी फ्रूटिंग होनी शुरू होना है, फ्रूटिंग हार्वेस्ट करना है जी जी। हार्वेस्ट कर रहे तो ये बडिंग से पहले ही उसको स्टिमुलेट करना चाहिए, उसका प्लानिंग हम दिसंबर से कर चुके हैं, और स्पेसिफिक ये तीसरा हफ्ता और मार्च फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट होने के लिए उसका प्लान करके इसको बनाए, हम भी कहीं ना कहीं शादियों का और उस सीजन का फायदा उठा सके। और क्योंकि मार्केट में क्योंकि हर सीजन शादी के सीजन में हर एग्जॉटिक और फ्लावर का भी देखिए आप उसका भाव बढ़ के रहेगा जी, जी। जब फ्लावर का बना सकते हैं तो फ्रूट का भी बना सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नया टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टाइम हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं आपके सामने अभी। हाँ बिल्कुल, देखने में आ रहा है, देखो कितना फर्क है। एक चीज देखने में आई कि जैसे ये रो है, हाँ, इस रो की साइड में लाइट है तो यहाँ पूरी तरह फ्रूटिंग है या अगर उस रॉ के पास में अगर नहीं है लाइट है, तो उसमें फ्रूटिंग नहीं है और यहाँ पे बहुत कम है। आप अगर आप देखें तो भी यहाँ पे एक प्लांट के ऊपर एक एक डिफरेंट एंगल में हम फ्रूट लाइट को प्लेस करिए जी। इससे यहाँ पे R&D चल रही है कि कितने हाइट पे लगाना है जी और कितने डिस्टेंस पे लगाना है, कितने कौन सा एंगल में लगाना है और कितना टाइम लगाना है। अच्छा। ये पूरा हमारे पास डेटा है, टाइम भी है कि इतना टाइम तक ये जलाना है, इतना अभी रात को ऑन करना है, रात को ही ऑफ करना है। अच्छा, पूरी रात नहीं जलना? नहीं जलना है। अच्छा अच्छा, घंटे के हिसाब से हम देखते हैं। सो उसका भी डेटा है हमारे पास। सो ये कितना करने पर कब ये प्लांट स्टिमुलेट हो जाएगी और फ्लावरिंग देना शुरू कर देगी, इतना इनडेप्थ R&D हो रही है वेराइटी सी के ऊपर। ये पूरा डेटा आपको किसी के पास नहीं है। अच्छा, R&D यहाँ पे क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग अगर फार्मिंग की दुनिया में आएंगे, हाँ सर, तो कुछ तो बदलाव होगा, कुछ हाँ तो क्रांति आएगी या। और मैं बहुत सी फार्मिंग में जाकर हाँ देखता हूँ, करता हूँ, जहाँ भी पढ़े लिखे लोगों ने तरीके से सिस्टम से किसी भी काम को कर रखा है उसकी बात ही अलग है। हाँ सर, हमारे पास जो डेक्कन एक्सोटिक्स ड्रैगन फ्रूट के फार्म हैं, हम किसानों को भी फ्री में ये पूरा बात है, यहाँ पे जो भी टेक्निक्स है कैसे उगानी है, सीजन में प्रोडक्शन लेनी है और ऑफ सीजन में कैसे प्रोडक्शन लेनी है, ये पूरा बात हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, वो भी फ्री में, हम कुछ चार्ज नहीं कर सकते जी और करेंगे भी, और ये कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ये प्रूव करना चाहते हैं कि
ड्रैगन, क्योंकि बहुत सारे फार्मर किसान आए थे लास्ट सीजन में जो प्रोडक्शन हो गई थी, किसान साथी आए थे और पूछने लगे थे कि सीजन में आपका रेट ओके अच्छा है अभी, क्योंकि अभी ज्यादा उसका फार्मिंग नहीं है इंडिया में, आपको रेट अच्छा मिल रहा है, 150 रुपए आपको अच्छा मिल रहा है। अगर बहुत सारे लोग लगा दिए सीजन में उसका भाव बहुत गिर जाएगा नीचे, तब क्या करें, क्योंकि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और हम नुकसान में पहुंच जाएंगे। जब मैंने उनको बोला कि सीजन में नहीं ऑफ सीजन में प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो उसको बात मानने के लिए तो उसको दिखाना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, जैसे आज हम दिखा रहे हैं सब कैमरे के माध्यम से, हम चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे किसानों को प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। ये कोई हमारे जो 5 साल पहले 10 साल पहले सुनते थे कि इजराइल और जो भी टेक्नोलॉजी से बढ़िया कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत बहुत बढ़िया काम हो रही है, यहाँ पे बढ़िया टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी वियतनाम की तरह ही हम भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारे भी पास भी ग्रोथ अच्छा है, क्वालिटी मटेरियल भी है और हम सब सारे सबको दिखा सके कि प्रैक्टिकली ये पे पॉसिबल है भी। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान भाई ये टेक्नोलॉजी आपसे लेना चाहे, हाँ सर, और ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहे, हाँ सर, और अदर कोई भी जानकारी, हाँ, अगर वो आपसे सलाह लेना चाहे या कोई प्रॉब्लम में है किसी तरीके की, तो ऐसे क्या सोर्सेज हैं आपके कि जहाँ से वो आपसे कॉन्टेक्ट करे या बात करे? सर, यहाँ पे हम डेकन एग्जॉटिक्स जो है, माने डेकन एरिया, डेकन प्लेटू होता है ना, हैदराबाद से सोलापुर और गुलबर्गा, बीजापुर, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नूल के आसपास जो 3-4 स्टेट्स के डेकन प्लेटू जो भी एरिया है, सिमिलर क्लाइमेटिक जोन होता है, ये पे जो भी फार्मर है उनका प्रॉब्लम सिमिलर होते हैं, एक जैसा प्रॉब्लम होते हैं। सो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे होता है, ड्राई लैंड होता है ज़्यादा, पानी की क्षमता सूखा है, सो उन वही फार्मर को हम अभी तक टारगेट देके और उनको ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर रहे थे हर शनिवार को, और अभी बन गया है ये इंडिया वाइड। अच्छा, हमें पूरे इंडिया से लोग, पूरे इंडिया से एवरी सैटरडे हमें लोग आने लगे, पहले तो डेक्कन रीजन से आते थे, अभी बन गया पूरा ओवर इंडिया, और इवन नेपाल से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी जी जी। और यहाँ पे डेक्कन एग्जॉटिक्स को आके हर शनिवार यहाँ पे हमारे किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे देते हैं, उनको बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज क्या है, उसमें लेने की उसमें क्या पेस्ट आ सकते हैं, उसको कैसे सिंचाई हो सकती है, ये पूरा हम उनको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट में एवरी सैटरडे मॉर्निंग 10 o'clock से शाम को 4 बजे तक। हम एवरी सैटरडे, मैं ने तो हमारे मेरे भाई जो भी दोनों में से एक तो यहाँ पे कंपलसरी रहेंगे और फार्मर को यहाँ पे दिखाएंगे जी। और जो भी फार्मर यहाँ पे से नर्सरी से पौधा लेगा, उनको 2 years तक हम उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं और उनको फ्री में प्लांट को कैसे उगाना है और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे डील करें, उनको ट्रेनिंग भी हम असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जी। उसके अलावा हमारा वेबसाइट है www.deccanexotics.com, www.deccanexotics.com, ये हमारा वेबसाइट है, उसमें न्यूज़ का एक कॉलम रहेगा और फोटो गैलरी और वीडियो गैलरी का एक कॉलम रहेगा, जो उसमें हम आप देखें तो जो हमारे पुराने जो वीडियोस है जी प्लांट के बारे में और नहीं तो टेक्निकल इश्यूज है वो डिस्कस, वो पूरा उसमें देख सकते हैं। फोटो गैलरी में आप खुद का फोटो प्लांट का फोटो ग्रोथ भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विटर से जी। ट्विटर से या नहीं तो इंस्टाग्राम से नहीं तो फेसबुक के माध्यम से भी। फेसबुक में हमारा पेज है डेक्कन एग्जॉटिक्स ड्रैगन फ्रूट फार्म जी। उसमें भी हम हमारा पूरा जो वीडियोस है, पुराने वीडियोस और आर्टिकल्स, हमारा लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है फार्म में, कुछ नया रिसर्च है, नया कुछ फाइंड आउट करें उसको, उसका रिजल्ट क्या है, उसका टेक्निकली क्या है, वो पूरा हम अपडेट करते हैं फेसबुक में, वो है डेक्कन एग्जॉटिक्स ड्रैगन फ्रूट फार्म पेज है फेसबुक में। उसके अलावा यूट्यूब का चैनल है हमारा, वो सबसे वो यूट्यूब का चैनल है डेक्कन एग्जॉटिक्स, उसमें आप पुराने वीडियो से
पूरे उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सकते हैं। या, देख सकते हैं और आप खुद ही जान सकते हैं कि उसका सिंचाई कैसी होगी, उसका प्रॉब्लम्स क्या है। और हमें संपर्क भी कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और ये रात में भी जो है बल्ब से ड्रैगन फ्रूट की जो है हम जो है फसल ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो किसान साथियों, आज हम जो डेकन एग्जॉटिक है उसके जन्मदाता और जिन्होंने इसको ऊंचाई तक पहुंचाया है और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका साथ दिया है और सब कुछ उन्हें अच्छे रास्ते पे पहुंचाया है, तो उनसे मिलते हैं, वो हैं उनके फादर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजन फार्मिंग लीडर में। नमस्ते सर, आप जो हमारे युवा किसान हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? युवा కర్షకులకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, పాత రోజులు కావు ఇవి. అప్పుడు మనం ఏదో వ్యవసాయం చేసి పాత రోజుల్లో మనం ఏదో చేసేవాళ్ళము. ఇలాంటి యువకులు ముందుకు వచ్చి కొత్త కొత్త రకాలు, అంటే ఇప్పుడు డెక్కన్ ఎగ్జాటిక్ నుంచి మేము డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఒకటి వీళ్ళు సజెస్ట్ చేసిండ్రు కాబట్టి నేను వాళ్లకు సపోర్ట్గా ఉండి इतना फार्मिंग चाहिए। ये बोलना चाहते हैं कि जो भी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को सोचना है और मेहनत लगानी है, जोर से मेहनत लगानी है, उसका फल तो डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा। जो 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 फार्मर्स और जो भी जो युवा पीढ़ी है उसको तो काम करना ही है, काम करेंगे, मेहनत लगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा, रिजल्ट जो है अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि आज डॉक्टर साहब आपने मेहनत की और सर के जो है सानिध्य में रह के इस काम को आगे बढ़ाया और आज इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा आज वो आप कर रहे हैं और ये सब कुछ आंखों के सामने है। यस सर, तो सर आप डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इन्हें तो एक्सपर्ट है, ड्राइवर फ्रूट में R&D का एक्सपर्ट है उन्हें, जो बोलेगा हम इधर कर चुके हैं जी जी, ऐसा हो गया। थैंक यू सर। साथियों आपने उनसे ये जानकारी ली और उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई और किसान अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ ला सकता है ये भी आपने जाना, और उनके फादर की कितनी अच्छी भावना है ये भी समझा, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बातें हैं कि मतलब उन्होंने अपने बेटे को इस ऊंचाई तक खड़ा करने के लिए पूरी हिम्मत जुटाई और उनका पूरी तरीके से साथ दिया। अगर उनकी ये हिम्मत और मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।